सामने है, मार मार इसको। लगता है तेरा चक्कर में अगर मेरा केस पड़ेगा चालू भाई। Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Here we go! So, hello and welcome everyone. आप सबका स्वागत है हमारे JCR Gaming Vitality नामक चैनल पर। आ चुके हैं फिर से और एक डेविड के साथ वापस। और गाइस ये मैच हम अपने गर्ल गेमर साथ एंड हमारे राहुल भैया भी इसमें खेल रहे हैं और साथ में एक ऐसा बंदा है जो कि आज मौन व्रत रखा हुआ है। और देखो हमारी टीम लीडर यहाँ पे गर्ल गेमर बनी हुई है। हम लोग यहाँ फार्म हाउस पर लैंड करने ही वाले हैं। और गाइस ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज तुम्हारा भाई एक ऐसा क्लच करे जिसको देख के आपको लाइक तो ठोकना ही पड़ेगा। और देखो मैं इस घर में घुसता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई गन वगैरह मिलती नहीं है, सिर्फ एक कट्टा मिलता है। तो कट्टा वट्टा उठाते हैं और यहाँ से हेल्थ किट वगैरह उठाते हैं और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक शूटर और हमारे टीममेट लोग ही बोलते हैं कि भैया यहाँ कोई गन नहीं मिल रही है। और अब देखो क्या ही हाल होने वाला है यहाँ पे। हम और गर्ल गेमर इस घर में घुसते हैं तो यहाँ मुझे एक स्नाइपर मिलती है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक नंबर टीममेट किसी से मोर्चा ले लेता है और मैं उससे बोलता हूँ देख नॉक मत होना, चाहे कुछ भी करवा लेना। लेकिन उसी बीच में घर के अंदर एंट्री लेता हूँ और यहाँ पे मुझे एक गन वगैरह मिल जाती है जो कि बहुत ही काम चला होती है, GKS। और फिर ऊपर आता हूँ तो एमओ वगैरह का जुगाड़ करता हूँ और दूसरी गन मिलती है रस, तो उसको भी उठा लेते हैं। और अब देखो कैसे करेंगे रस। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे वेस्ट वगैरह का इंतजाम भी हो जाता है। और कल पूछो मत यार, लड़की का साथ खेला है, उसको वादा भी किया है। काफ़ी देर से बंदे यहाँ ढूंढते हैं, बंदे मिलते नहीं। और देखो हमारे राहुल भाई क्या बोल रहे हैं, हाँ जीत गए। और लड़की में इतना दम है भाई, पूछो मत भाई, मेरे में नहीं है। राहुल भाई बोलते हैं कल मैं लड़की के साथ खेला था, उनसे वादा किया था जीतने का, लेकिन लड़कियाँ जीत जाती हैं क्योंकि राहुल भाई में दम नहीं होता। कुटाई कर। और आज भी कुछ वैसे सीन है, हमारे साथ गर्ल गेमर खेल खेल रही हैं तो आज तो बहुत ही इज्जत का सवाल हो गया है। और देखो ये बंदा मुझे यहाँ मिलता है तो मैं इसको नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ और इसकी पेटी वेटी लूट लेता हूँ। और हमारी गर्ल गेमर भी हाथ सफा करने चली आती हैं तो वो भी कुछ लूट वूट कर लेती हैं, तो हम दोनों मिल बांट के लूट कर लेते हैं। और उसी बीच हमारे टीममेट बोलते हैं राक्षस को मारते हैं क्योंकि उनको पता नहीं राक्षस से इतना लगाव क्यों है, मुझे नहीं पता। और उसी बीच यहाँ पे एक बंदा भगते दिखता है, यहाँ पे किल चोरी का पूरा इंतजाम कर रखा था मेरा टीममेट ने, लेकिन मैं इसको एन मौके पे आके मार देता हूँ और अपने किल सिक्योर कर लेता हूँ। और एक आ गया। और उसी बीच एक बंदा यहाँ पे और आता है जिसको कि मेरा टीममेट मार देता है। और फिर यहाँ से लूट वगैरह करके हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपनी गाड़ी लेते हैं और यहाँ से फिर निकल चलते हैं आगे जोन के लिए। क्योंकि यहाँ पे आते हैं देखो हमारी गर्ल गेमर को क्या ही भूत सवार था कि वो राक्षस बढ़ जाती है, अकेले मोर्चा ले लेती है। तो देखो भैया लड़की को अकेले छोड़ना अच्छा नहीं होता, तो हम लोग भी यहाँ पे भी कूद ही जाएंगे और देखो फिर कैसे राक्षस को मारेंगे। मैं यहाँ पे सारी एमो वेस्ट कर देता हूँ राक्षस को मारने के लिए, लेकिन हमारी गर्ल गेमर को शायद शॉटगन से ही मार देती हैं। चल ले लियो। और मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे राक्षस की प्योरी फायर लेता हूँ, चलो बैठो, जिसमें एमो बहुत कम थी। भाई चॉपर भी आ रहा है, भाई चॉपर भी गया उधर ड्रॉप पे। यहाँ से आके मैं M4 MG उठाता हूँ। अब टीममेट से बोलता हूँ कि जोन के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी में बैठते हैं और चल देते हैं आगे जोन के लिए। किल यहाँ पे केवल दो ही थी, अब देखना यहाँ पे क्या ही सीन होने वाले हैं अभी आगे चलकर।
क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पे हमें पहले एक बहुत चौपर बड़ा दिखता आदमी है, है यार। लेकिन देखते देखते यहाँ पे 1 से 3 में कब बदल जाता है पता नहीं चलता। दो गाड़ी रुके, यहाँ पे पंद्रह तीन बीस तीन चौपर घूम रहे पंद्रह थे, रुके पता नहीं ये 3 स्क्वाड थे या कैसे थे कि पता नहीं। लेकिन अभी देखना, अभी यहाँ पे मेरे केवल 2 ही किल्स हैं, लेकिन अभी देखना यहाँ पे किल्स में तो इतनी भयंकर बढ़ोतरी हो जाएगी, चलो उसको मार देते हैं, मतलब क्या ही क्लच होगा। आप देखना यहाँ पे भी, आप मेरा टीममेट बोलता है आगे बंदा जा रहा है, कि मुझे यहाँ बहुत सारे बंदे दिखते हैं तो मैं मैं सोचता हूँ कि निकालता कवर भाई, ले वही लूँ, अच्छा होगा भाई, आजा आजा लेकिन गाड़ी यहाँ में से बैठ, भागना सेफ नहीं था, इसलिए मैंने फिर बहुत थोड़ा सारे सा आदमी चौपर हैं, लिया चलो चलो और ऊपर में बैठो गया। भाई गाड़ी बंदों में को बैठो, देखने जल्दी के बंदे बैठो हैं कहाँ कहाँ पे। मुन्ना अरे जल्दी आ, मुझे यहाँ नीचे एक चला बंदा रहा स्पॉट तू, होता है, मेरा टीममेट उसको बोलता है कि उसको मारो, लेकिन मैं चौपर में था तो मेरा चौपर जल्दी से लैंड नहीं हो पाता, फिर मैं अरे और इसको मारो घुमाता हूँ मारो इधर उधर। इसको मारो, और हमारे गर्ल गेमर 2 नंबर तो फाइट ले ही चुके थे। ये मेरा ऊपर में एक चौपर है यार, यहाँ इसको पे टोटल उड़ाना 3 हेलीकॉप्टर हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप भी रखे थे, यहाँ पे बंदे बहुत सारे आ चुके थे। यार, एक चौपर कहाँ है, मैं यहाँ पे चौपर आगे लेके आता हूँ लैंड करने भाई के मेरे लिए, को गिफ्ट चाहिए भाई, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे और इधर बंदे आ देखता हूँ कि जाओ, बंदे किधर किधर हैं। एक पूरा राउंड अप ले लेता हूँ ऊपर से, जिससे कि बाद में कोई परेशानी ना हो, और एटलीस्ट मैं यहाँ पे आके अपना चौपर लैंड करा देता हूँ। यहाँ पे लैंड करते ही पता नहीं उस चौपर में कौन बंदा बैठ जाता है, शायद एनिमी बैठ गया था, तो उसको मैं डैमेज करता हूँ लेकिन वो बच जाता है, और उसी बीच मुझे फायर करता है। मुझे लगा कि मेरा टीममेट ही मुझे फायर कर रहा है, तो अपने टीममेट को एनिमी समझ कर फायर करता हूँ, और उसी बीच एनिमी के हेलीकॉप्टर मुझे टक्कर देता है, जिससे मैं काफ़ी दूर जा गिरता हूँ, मेरी हेल्थ बहुत ही कम हो जाती है, तो मैं यहाँ पर लेट जाता हूँ हील लगाने के लिए, और उसी बीच हमारे गर्ल गेमर की कोई वहाँ पे पेटी बना देता है। और अब देखो उसकी बारी, इसको चला के मैं राख कर देता हूँ, जैसे यहाँ करता मुझे आगे बंदा एक डैमेज देता है, जिसको कि मैं M4 LMG से निपटा देता हूँ। तो निपटाते हैं, आगे देखता हूँ कि मुझे एक बंदा आगे लैंड हुआ है, अब देखो उसकी बारी। और उसी भी जहाँ पे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, तो मैं निंजा टेक्निक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, और इसी भी अपने गर्ल गेमर को मैं रिवाइव करता हूँ, क्योंकि तो फ्लैट का टाइम बहुत कम बचा हुआ था, तो वो भी सही टाइम पे आ जाएगी। लगता है कोई नहीं बचा है, भाग गया है, और मेरा 1 नंबर टीममेट आगे भाग जाता है बंदों से पंगा लेने के लिए, ओए नीचे बंदा है भाई, जो कि हमारे राहुल भाई होते हैं। देखो उनके साथ क्या ही हादसा होने वाला है भाई, मेरे को पड़ी, अबे ड्रॉप नहीं, ड्रॉप का पास। देखो हमारे राहुल भैया भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, अब ये गेम बहुत ही इंटेंस होने वाला है। एक एनिमी मुझे पानी में तैरते दिखे, इसको मैं डैमेज देता हूँ लेकिन वो बच जाता है, तो मैं यहाँ ड्रॉप पास आता हूँ, कवर लेता हूँ और कुछ लूट वगैरह उठाता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरी प्योरी फायर में एमोज नहीं थी। मुझे ड्रॉप में अच्छी खासी लूट मिल जाती है, और इसी बीच हमारे 2 नंबर टीममेट को भी कोई नॉक कर देता है। अरे मैं नीचे आ गया उसको मारने के लिए, उसके पास स्कूटर गन था ना। 1 नंबर को रिवाइव करने के बाद वो फ्लैट में बैठ चुका होता है, तब तक मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ और अपनी हील वगैरह लगाता हूँ। पीछे आ रहा है, तेरा पीछे 2 नंबर टीममेट को हमारे गर्ल गेमर रिवाइव कर देते हैं, जिससे वो बच जाता है, और उसके बीच यहाँ मुझे एक बोर्ड डाल देते हैं, जो कि अच्छा खासा डैमेज देते हैं उसको। तो बोर्ड दादा को मारने के बाद यहाँ पे कोई प्रोग्रेस आ जाता है, तो मैं यहाँ आगे बढ़ता हूँ, पीछे मार रहा, पीछे मार वो रहा, मुझे दो, दो। बराबर डैमेज दे रहा था, तो मैं यहाँ पर लेट जाता हूँ। और अब देखो उसकी बारी, यहाँ पे 2 बंदे आ गए थे, जिससे कि मैं बहुत डर गया, लेकिन तुम्हारे भाई ने जैसे तैसे हालात संभाल लिए। देखो 2 पहले मेरी किल थी, यहाँ पे मुझे 7 किल्स हो गई, इसका मतलब यहाँ पे 5 बंदों को तो मार चुका था। अबे ये हो रहा क्या, वो और एक है, और एक है।
और उसी भी जब मैं आगे बढ़ता हूँ जहाँ मुझे एक बंदा अच्छा खासा डैमेज करता है जिसको मैं नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ। और गाइस ये क्लच कैसा लगा कमेंट जरूर बताना और इस क्लच के लिए एक लाइक तो कर ही देना। और हमारे गर्ल गेमर हमारे पास आती हैं और वो अपना एयरबोर्न प्रकट कर देती हैं जिसमें अब देखो हम यहाँ पे ऊपर से उड़ जाएंगे। यहाँ से हम लोग आगे जोन के लिए निकलते हैं क्योंकि हमारे एक नंबर और दो नंबर टीममेट भी आ चुके थे। देखो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मेरी बेइज्जती क्यों नहीं हुई, लेकिन ध्यान देना बिना कोई बेइज्जती के मेरा मैच होता ही नहीं है। देखो यहाँ पे आता मुझे एक बंदा सो होता है जिसको मैं मार ले आगे बढ़ता हूँ। दो नंबर उधर क्या कर रहा है, जिसको मैं डैमेज करता हूँ वो लगा देता है अपना शील्ड चालू कर देता है जिससे कि मैं थोड़ा सा अंधा टाइप हो जाता हूँ। अबे रुक जा आ रहा हूँ। और अब यहाँ पर तुम्हारे भाई की भयंकर बेइज्जती होने वाली है। पता नहीं कैसे मेरा एम चूकता है और वो मुझे नॉक कर देता है। एक बार फिर से तुम्हारे भाई की बेइज्जती हो जाती है और हमारे पास होती है गर्ल गेमर। भैया गर्ल गेमर का कोई भरोसा नहीं होता, देखो वो भी हमारी नॉक हो गई। और जैसे जैसे हमारे राहुल भाई यहाँ पे मोर्चा संभालते हैं और मैं उनसे बोलता हूँ जल्दी हमको रिवाइव करो क्योंकि टाइम बहुत कम है और जोन भी आ रहा है, बंदे ही बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं। देखो हमारे बेइज्जती तो हो जाती है कि जब गर्ल गेमर बेइज्जती हो जाती है ना तो ये बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि लड़की तुम्हारे भाई कमजोरी है। और अब देखो ये बेइज्जती बदला कहाँ तक लेंगे और कैसे लेंगे। जल्दी से रिवाइव होने के बाद मैं हील वगैरह लगाता हूँ। मेरे को एक डंपर चाहिए भाई, वो गाड़ी चाहिए। मेरी वेस्ट भी डैमेज हो गई थी तो मैं अपनी वेस्ट वगैरह को रिपेयर करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। लेकिन उसके पहले हमें इसके क्रेट में बहुत अच्छी खासी लूट मिल जाती है क्योंकि ये बहुत ही धनी व्यक्ति था। और फिर हम आगे बढ़ देते हैं। मेरा एमओ खत्म हो गया भाई। अभी टोटल 12 बंदे अलाइव थे। मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ पहले जोन चलना है क्योंकि जोन बहुत मतलब 1.25 इंच का जोन हो चुका था तो जोन हम लोग को काट देता है, इसलिए मैं बोलता हूँ टीममेट से रस्सी की पकड़ो और आगे चलो। लेकिन उसके पहले मैं जब यहाँ पे आता हूँ मुझे आगे एक टैंकर की आवाज़ आती है और उसके बाद मुझे एक बंदा यहाँ शो होता है जो शायद स्केटिंग कर रहा था बट कर नहीं रहा। तो मैं उसको डैमेज देता हूँ और लेट जाता हूँ क्योंकि आगे एक टैंकर था और टैंकर भैया एक गोला समझो मतलब पूरी ज़िंदगी ख़त्म। अपने टीममेट से बोलता हूँ आगे चलते हैं लेकिन वो लोग किसी से मोर्चा ले लेते हैं। और अब देखो यहाँ से मैच का पूरा रुख ही बदल जाएगा। मेन क्लच तो आपको भी आगे देखने को मिलेगा, इतना भयंकर क्लच आपको देखने को मिलेगा जिससे आपकी आँखें तुम्हें और सब कुछ फटाफटा रह जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे बंदे का यहाँ पे घिसटने की आवाज़ आती है और उसी बीच मेरे टीममेट्स बोलते हैं तो जोन में निकल गया। ठीक है जब मैं यहाँ ऊपर आता हूँ वो बंदा जो घिसट के आ रहा था बंदा भी आ ही जाता है जिसको कि यहाँ मैं नॉक कर फिनिश कर देता हूँ। और इसके बीच हमारा एक नंबर टीममेट जो कि राहुल भाई थे वो वहाँ पे नॉक हो जाते हैं और उनके चक्कर हमारी गर्ल गेमर भी धीमे धीमे उनकी हेल्थ डाउन होती है और वो भी नॉक ही हो जाती है। अब बचते हमारे दो नंबर टीममेट, धीमे धीमे वो भी अभी देखना नॉक ही हो जाएंगे। तो यहाँ से मैच पूरा इंटेंस होने वाला है, तो ध्यान से देखना पूरा मजा ही आ जाएगा। फिर से गया। देखो गाइस मेरे यहाँ पे तीनों टीममेट मर चुके हैं और मैं बचा हूँ अकेला। अभी यहाँ पे टोटल 7 बंदे अलाइव हैं। बाउंड्री का ऊपर से और आज जो आपको क्लच देखने को मिलेगा वो जिंदगी में आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। अबे भाई जोन में जा रहा था तो गर्ल गेमर का टैग उठाने लिए आगे बढ़ता हूँ लेकिन जोन बहुत तेज भर रहा था तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे दो बंदों को भगता देख कर तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। मैं यहाँ पे आता हूँ हील वगैरह लगाता हूँ लेकिन जोन वगैरह फिर से आ जाता है तो मैं निंजा ठगने करके थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। हील पट्टी में कर पाता उसके पहले मुझे बंदा सो होता है मैं उसको पहले मारता हूँ। भाई
और मैं फिर से हील लगाता हूँ, मुझे एक बंदा ऊपर और आते दिखता है। देखो अब उसको कैसे निपटाते हैं। ये तो बहुत ही प्रो था, मतलब भागने के मामले में। तो भाग जाता है वो, किसी और बंदे से फाइट ले लेता है। तो मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ और अपनी हेल्थ वाला लगाता हूँ और फिर यहाँ पे आता हूँ। मुझे यहाँ एक बंदा और शो होता है। अब भाई इसको मैंने कम से कम 2000 गोलियाँ मारी थी, लेकिन ये बंदा मरता है नहीं, पता नहीं क्या खा के आया था। लेकिन जैसे ही मरता है उसी बीच मुझे कोई स्नाइपर मार देता है, तो मेरी हेल्थ आधी से कम रह जाती है। तो मैं यहाँ पे हील पट्टी करता हूँ। अभी भी यहाँ टोटल 5 बंदे बचे हुए थे, मतलब जीतने के चांस पूरे ना के बराबर थे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सोचता हूँ कवर ले लूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे एक बंदा कैम कर देता है। तो उसको मैं मारता हूँ, यहाँ पे अपनी हेल्थ वगैरह लगाता हूँ। गाइस जैसे मैं यहाँ पे हेल्थ लगा रहा था, मुझे एक बंदा आते दिखता है जो कि इसका टीममेट था। इस टीम के हम पेटी बनाते हैं और फिर देखो 3 बंदे और बचे हुए थे। अब उनके तलाश में यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसी वक्त यहाँ पे जोन आता है। तो मैं जोन के लिए आगे बढ़ता हूँ और अब ये पूरा 1.25 इंच का जोन था जो कि मेरी हेल्थ के बहुत गंदे से काट रहा था। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे चुपचाप थोड़ा लेट जाता हूँ हील करने के लिए। ऊपर है भाई, कमाल के। वो तीनों बंदे पूरी एक ही टीम में थे जिसमें एक अंकल जी होते हैं। जैसे यहाँ पर लेटता हूँ मुझे कहीं से फायर होता है, लेकिन मुझे बंदा स्पॉट नहीं होता। तो मैं यहाँ पर टैंकर पे आता हूँ, मुझे यहाँ पर 2 बंदे भगते दिखते हैं जिनको मैं डैमेज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई नॉक होके नहीं देता। एटलीस्ट मैं एक बंदे को और नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ बचे केवल 2 बंदे। जो ने पूरा अपने चरम सीमा पे था। एक बंदा यहाँ पे सांप बना हुआ था, इसने कोशिश तो बहुत की लेकिन वो मारा गया। अब बचे थे केवल एक अपने बुढ़े अंकल, जिनको कि मारना बहुत आसान नहीं होगा, देखना अभी आप। मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर नीचे कूदता हूँ क्योंकि वो बंदा कहीं पे टीपी पे ले रहा था। अंकल जी है वो बंदा, मुझे यहाँ पे स्पॉट होता है। तो मैं हील वगैरह पूरी कंप्लीट करता हूँ और अब देखो उसकी कैसी खबर लेते हैं। सो गाइस इसी के साथ अपना यहाँ पे विनर वगैरह हो जाता है। तो गाइस वीडियो को अच्छी लगे कमेंट में जरूर बताना, और गाइस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एक लाइक ठोको। मिलते हैं कल और एक नए वीडियो वापस आपके इसी चैनल पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।